अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, मैं अभी बना रही हूँ इफ्तार, इफ्तारी बन रही है। और सुबह मैंने कुछ शूट नहीं किया, दिन को भी कुछ नहीं किया, तो अभी जो है मैं बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह के, मेरे पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं फ्रोज़न कबाब, जो सीख कबाब होते हैं, और मैंने सुबह रसों के लिए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे टेस्ट के या हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े स्पाइसी हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि वो यूज़ हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहे थे। तो अब ना मैंने डिसाइड किया, जैसे ही उठी तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करती हूँ, मैं ना इसके कबाब रोल पराठे जो है वो बना लेती हूँ, और वो अच्छे भी लगते हैं, शायद खाए भी जाएंगे इस तरह से, क्योंकि अदरवाइज़ कबाब कढ़ाई या इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, ना सहरी में ना इफ्तार में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी। तो यहाँ पे अंदाज़े से मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, वाइट फ्लोर जो होता है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, नमक डाला है, उसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और इसको गूंदने के बाद मैं इसको आधा घंटा घंटा जो है वो आराम से रख दूंगी, ताकि ये सेट हो जाए, और उसके बाद सिंपल जो है वो इसकी रोटियां पराठे बना लूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ खीर, डब्बे वाली खीर बन रही है। टाइम आजकल थोड़ा कम होता है, तो जल्दी जल्दी में बनाते हैं, तो मैं खीर बना रही हूँ। और उसके साथ मैंने फ्रीज़र से जो चने मैंने छोले फ्रीज करके रखे हुए थे, तो वो मैंने सिर्फ थोड़ा सा नीम गरम, बहुत गरम तो नहीं, थोड़ा सा नीम गरम पानी करके उसमें डिप कर दिया, ताकि जल्दी से जो है वो यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए, पिघल जाए, तो मैं उसकी चाट बना लूँ। अच्छा जी, बस ये तो बनता रहेगा, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा, खीर जो है ये तो बनती रहेगी, इसका कोई इतना इशू नहीं है। और उसके साथ बस जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं हमारे घर, जो बनती हैं, रेगुलर बनती हैं, तो वो बस बनेंगी। उसके लिए मैं सारी जो है तैयारी कर रही हूँ, और थोड़े से जो कबाब रोल पराठा होगा उसमें प्याज भी डालेंगे, तो उन प्याज़ों को जो है वो भी मैं अभी थोड़ी देर पानी में भिगो दूंगी। सबसे अच्छी टिप ये रहती है प्याज़ों की, जो प्याज़ की कड़वाहट निकालनी हो ना, तो मैं तो हमेशा इसी को फॉलो करती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो के रख देती हूँ, जितनी देर में काम कंप्लीट होते हैं उसके बाद उसको दो तीन बार वॉश करती हूँ, और फ़ौरन ही जो है वो क्रिस्पी से, क्रंची से, बग़ैर किसी कड़वाहट के जो प्याज़ होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी, वो सारे काम हो गए, और उसके बाद मैंने ये चटनी बनाई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी की थी पहले, अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में भी शेयर की हुई है, उससे पहले भी काफ़ी बार सेपरेट भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने बना के रखे थे, और आप देखें कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे इतने ही अट्रैक्ट करते हैं जो इस स्टेज पे होते हैं ना, जो क्यूब्स बनते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, मैं खुद ही इनको देख देख के खुश होती रहती हूँ। तो बस सिंपल जो है मैं इनको जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ, और फ्रीज़र में रख दूँगी डेली, अफ्तार के टाइम पे इफ्तारी में एक निकालती हूँ और दही में डाल देती हूँ, तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ। अच्छा जी, खीर रेडी हो गई है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि इफ्तारी तक सही मज़ेदार सी ठंडी हो जाए। और यहाँ पे मैं चाट बना रही हूँ, मैं इसी तरह बनाती हूँ, मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। और स्पेशली जो बनती है माह रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाए जाते हैं, हरी मिर्चें भी मैं नहीं डालती हूँ, पहले डालती थी लेकिन अब हम दोनों नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ। और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मिर्चे मसाले भी नहीं डाले हैं, सिर्फ चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा इमली का जो रस होता है वो डाला है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिंपल इमली का पेस्ट है। और बस ये चीज़ें डाल के, और उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ टेबल पे, अगर हस्बैंड का दिल चाहता है या मेरा दिल चाहता है तो हम कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। चटनी बनती है तो चटनी भी इस पर डाल लेते हैं, अगर चाट मसाला, मीठी चटनी कुछ भी ऐड करना हो तो डाल लेते हैं। और मुझे इस तरह चने छोले जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में रखते ही ना घुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और मुझे इसी टाइप का चना जो है वो अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने रोल पराठे की तरफ। और आपके पास भी फ्रीज़र में ऐसे कुछ रखा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा रीमेक करके, फ्रेश करके, या कुछ भी बना के इस तरह से ना डिफरेंटली आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अगर इस तरह से चीज़ें रखें तो शायद वो इतना उनको अट्रैक्टिव ना लगे, वो ना खा सके, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चेंज कर लें, तो फैमिली बहुत अच्छे तरीके से खा लेती है, एंजॉय करती है। अच्छा, अब मैं इसके साथ ना एक बना रही हूँ सॉस, कहते हैं आप, इसमें मैंने मायो ली है,
और मस्टर्ड सॉस जो पेस्ट होता है, सॉरी मस्टर्ड पेस्ट लिया है, उसके साथ केचप है और थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं अगर, और हाँ एक और मैंने एंड में डाला था लहसुन का पाउडर। अगर ये आपको थिक लग रहा हो ना, आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लें तो ज़रा पतला हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने वैसे दही नहीं डाला था, बहुत जल्दी में थी क्योंकि मैंने ये प्लान किया था कि मैं ना 5 मिनट या 10 मिनट पहले बना के रख दूँगी, क्योंकि मैदा है तो ये फ्रेश हो, गर्म हो तो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल एंड में जब 10 मिनट रहते थे तो मैं ये बना रही हूँ। और लहसुन का पाउडर ना हो तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें ना डालें। मैं थोड़ा सा गार्लिक सॉस वाला टेस्ट चाह रही थी तो इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज़ फ्रेश भी आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो बिल्कुल मत डालें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे पाउडर डाल लें तो अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने सिंपल जो आटा रखा था घंटा, एक मैदा जो था उसको गूंद के रख दिया था, और उसके बाद सिंपल जैसे हम आटे के पेड़े बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाए। मैंने कोई बल नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, क्योंकि टाइम भी नहीं था और ये झटपट इजी भी बन जाते हैं और अच्छे बने थे। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, बहुत अच्छे बने थे। तो सिंपल मैंने इसको जो खुश्क मैदा है उसके साथ मैंने पेड़ा बना लिया, उसके बाद रोटी मेकर में मैंने इस तरह से बेल लिया और आप ये देखें बस इस तरह तवे पे मैंने बना लिए पराठे या तली हुई रोटी, फ्राइड रोटी, जो भी आपको कहना ठीक लगे, इस तरह से ये बन गए थे और बहुत ही अच्छे कुक हुए थे, बहुत मज़े के बने थे। और अगर मैदे वाले पराठे अच्छे लगते हैं ना, या मैदे की रोटी अच्छी लगती है, तो इस तरह से आप वो भी बना सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। हम वैसे ये करते हैं कि हम लोग गंदम का आटा ज़्यादा खाते हैं। अभी मेरा बड़ा आजकल दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ा मिक्स करके पराठे या रोटी बनाऊं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे तो शुरू में मैंने बहुत बार इस तरह बनाई ट्राई की, लेकिन उनको प्योर गंदम का आटा अच्छा लगता था, तो फिर मैंने बनाना ही छोड़ दी कि चलो क्या एफर्ट करूँ। लेकिन आजकल मेरा फिर बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से जो है वो शुरू करूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, मेरे छोटे छोटे से पराठे बन गए हैं और इसके बाद जो है मैं अब इनको रोल की शक्ल दे रही हूँ। प्याज जो थे वो भी मेरे रेडी हो गए, और जो मैंने आपको क्यूब्स दिखाए थे दो मैंने निकाल के रखे थे हरी चटनी वाले। इसमें जो है चटनी आप देख लीजिएगा, रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में भी मैंने शेयर की थी। अभी मैंने इसमें सिर्फ इमली का रस जो पेस्ट होता है वो डाला है, और उसके बाद कबाब रखा है, जो मैंने सॉस मायो वाला वाइट बनाया है वो डाला है, उसके साथ मैंने ये ग्रीन वाली चटनी डाली है, प्याज डालें और चीज़ मैंने डालनी थी, मेरा बहुत दिल था कि मैं आज चीज़ डालूँ लेकिन टाइम बहुत कम था तो वो थोड़ी सी रह गई, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला डालूंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और जी वैक्स पेपर जो होता है, बटर पेपर होता है, वो लेके बस वो मैंने इनके ऊपर जो है उससे कवर कर दिया था, तो ये लुक भी इसकी बड़ी अच्छी हो गई थी। लुक अच्छी लगे ना, देखने में अच्छे लगे तो फिर हर कोई पसंद करता है, हमें भी खुशी होती है, अपना दिल भी खुश होता है कि सिंपल चीज़ हो लेकिन थोड़ी सी देखने में अच्छी लगे तो वो खाने पे भी दिल चाहता है। तो मैंने सिंपल वैक्स पेपर जो है वो मेरे पास रखा हुआ था, बटर पेपर जो होता है उसको बस मैंने काटा और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टूथपिक लगा के वो भी कर सकते हैं, हाफ़ में कट करके भी, आधे आधे करके भी बना सकते हैं। तो अच्छे बने थे, अच्छे लगे थे, मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था हमने, अच्छे बने थे। और सबसे बड़ी बात ये कि खुशी से शौक से खा भी लिए थे, क्योंकि मुझे यही था कि ज़ाया ना हो तो बेहतर है कि बना लूँ घर में, खा लिए जाए। लॉकडाउन की वजह से और जो हालात हैं तो लेकर तो मैं आई थी, लेकिन ये था कि थोड़े से स्पाइसी होने की वजह से नहीं खा रहे थे, तो बस अब इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर करके मैं इनको जो है वो चला लूँगी। और जी ये देखें, ये है हमारी इफ्तार की टेबल, हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। राइस जो है वो अभी नेबर्स से आए हैं तो वो भी मैंने रख दिए, अभी अभी जस्ट आए हैं तो वो भी मैंने साथ रख दिए। और शरबत जो लाल शरबत है वो बस अभी फ्रिज से निकालते हैं, क्योंकि आज डिस्पेंसर थोड़ा लेट ऑन किया था तो ज़रा पानी गर्म था, तो इसलिए हमने थोड़ी देर फ्रिज में फ्रीज़र में रख दिया था।
ये थी जी मेरी इफ्तार की प्रिपरेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा। अब यहाँ पे मैं दही बनने के लिए रख रही हूँ, साथ चाय बना रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे ये काम होते हैं, किचन समेट रही हूँ। और ऑयल के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैं डेली जो है वो ऑयल छान लेती हूँ और कढ़ाई जो है उसको वॉश करती हूँ, इसी तरह से यूज़ करती हूँ। जब ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर मैं ऑयल चेंज कर लेती हूँ। तो ये काम अभी मैंने करना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, फिर मैं बॉटल भर के रख दूँगी ऑयल की। और ये देखें जी, हम अभी चाय के साथ केक इंजॉय करेंगे, हम कल लेकर आए थे, बहुत ही मज़े का है। और आपसे मैं इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।